देखा जाए तो 3 से 3.5% के छात्र हमारे आगे बढ़ पाते हैं और हायर एजुकेशन में जाते हैं। और इन हायर एजुकेशन में अगर हम सिस्टम को देखें तो हमारे पास पूरे भारत देश में काफी अच्छा, जैसे मैंने बताया 1000 यूनिवर्सिटीज है, इसी तरह से राजस्थान भी बहुत ही अग्रणी है। और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे राजस्थान की बात है, हमारे राजस्थान में करीब 4 लाख और करीब 36,000 स्टूडेंट हैं जो हायर एजुकेशन में एनरोल्ड होते हैं, और उसमें से करीब 1,80,000 स्टूडेंट हमारे पास है और हम हमारे मोहनलालगढ़ यूनिवर्सिटी में है। भले हमारे पास 4 कंस्टिटेंट कॉलेजेस हैं जिसमें 26 से 27,000 छात्र हैं, मगर दूसरे जो 176 कॉलेजेस और हैं जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें उनके छात्रों की संख्या मिला के हम काफी बार हमारी काफी मात्रा है। इसलिए मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि वाकई में आप सब भाग्यशाली हो कि आप इस स्तर तक पहुंचे। मतलब कई बार चिंता भी इस तरह की होती है, अभी वर्तमान में ये चिंता करने का एक विषय था, मगर अब हम सब उस चिंता को दूर हटने हैं। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि अब हमारे को ये देखना है कि किस तरह से हमें इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि परसों रात को ही हमारे मुख्यमंत्री साहब श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने हमारे जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे और मिनिस्टर थे उन सबको बुला के विस्तृत चर्चा करी। उससे पूर्व भी हमें कई इस तरह के पत्र प्राप्त हुए थे राज्य सरकार की तरफ से और हमारे गवर्नर साहब की तरफ से। गवर्नर साहब ने तो सारे वाइस चांसलर की एक मीटिंग भी ली थी और ये कहा था कि हमारे छात्रों को बीच में कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए। हो सकता जब हम भी लॉकडाउन में थे उस समय हम भी चिंतित थे, तो स्वाभाविक है कि आप सब भी जब घर में थे तो निश्चय एक चिंता का प्रश्न था। मगर देखा जाए आज वर्तमान स्थिति ये है कि हमें अब कोरोना से डरना नहीं है, जबकि हमारे पास उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। अब ये हो गया कि शुरुआत में ये कह रहे थे, इवन WHO ने ये कहा कि बहुत ही बढ़िया तरकीब बताई गई थी, उसमें बताया था 50 डेज का एक्सक्लूसिवली लॉकडाउन और फिर 30 डेज का फ्लेक्सिबल लॉकडाउन। तो आप ये देखते हमारे देश में पहले ही हमारे राजस्थान राज्य ने भी इस तरह का लॉकडाउन पहले ही लगा दिया, यानी कि सबसे पहले जो फर्स्ट लॉकडाउन था 21 दिन का था, फिर 19 दिन का हुआ, 40 दिन ये हुए, थर्ड लॉकडाउन था जो हमारे 15 दिन का था, 55 दिन हो गए। ये बड़ा एक्सक्लूसिवली था, तो उसके बाद जितने भी दिन अपने निकल रहे हैं ये आगे 21 दिन थे जो फ्लेक्सिबल था, जिसमें हमें थोड़ी सी सहूलियत दी गई थी। तो मैं सबको आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास ऐसा नहीं है, मगर फिर भी हमें कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और ये देखना आज के अखबार आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि भरतपुर में 110 नए केस आए, और आप ये देखो केवल 2 व्यक्तियों ने बढ़ाए हैं। एक व्यक्ति एक प्रवासी मजदूर था जो बाहर से आया था, और एक कोई सब्जी वाला था उसने किया, आज आपके अखबार में पढ़ा होगा आपने। तो आप ये मान के चले कि हमारे राज्य उदयपुर में भी, जाते मैं उदयपुर की बात करता हूँ, उदयपुर में भी अगर देखा जाए तो 550 से ज्यादा हमारे पास केसेस बने थे, कुछ स्थान विशेष पे ज्यादा रहे थे, मगर फिर भी वहाँ से कहीं ना कहीं इस तरह का कंटेमिनेशन हो सकता है। तो हमें डरना तो नहीं है, मगर हमें सावधानी बरतनी है। और एक कहावत होती है हिंदी में, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और ये निश्चय है कि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम वाकई में हमारे को दुर्घटना हो सकती है। और ये इतनी बड़ी दुर्घटना है कि उससे कई बार ये भी देखा गया है, जैसे तो भारतीयों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, नेशनल लेवल के भी जो फिगर आ रहे हैं कि 2 लाख के करीब कंटेमिनेट हुए हैं कोरोना वायरस से और 1 लाख उसमें से ठीक हो गए, यानी कि 50% ही हमारी अच्छी वो रही है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि भारतीय जितने भी हैं वो भले युवा हो या हमारे जैसे प्रौढ़ एज में हो, सब मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल के कारण से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। तो मैं आप सबको ये कह रहा हूँ कि आज ये आप शपथ लें कि आने वाला समय भी जो है वो कोरोना मुक्त रहेगा, मगर उसको मुक्त करने में हमारी सावधानी बहुत ज्यादा रहेगी और हमें बहुत अच्छा कार्य भी करना पड़ेगा। उसकी छोटी छोटी चीजें हैं, इतना बड़ा भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ ध्यान रखना है, मगर कुछ पहली चीज जैसे कि आप लोगों को मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। आप अगर अभी तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो किसी भी छात्र को हम हमारे विश्वविद्यालय में और कॉलेज महाविद्यालय में एंट्री नहीं दे रहे, और ये मैं सबसे अभी अपेक्षा करता हूँ कि अगर आपको किसी भी कार्य की जरूरत भी है तो आप अपने अध्यापक से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, आपके डीन से, आपके रजिस्ट्रार से, इवन आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं अगर कोई ऐसी चीज है जिसका कि आपको आंसर नीचे स्टाफ से नहीं मिल पाया है। तो मगर आप इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर और कॉलेज में ना आने, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के अन्य गड़बड़ से ये पूरा हमारा जो साइकिल है वो बंद हो जाएगा।
अभी परसों पहले से मेरे को मालूम पड़ा था, मैं ये नहीं बताना चाहता, एक विभाग में एक हमारे कोर्ट क्लास एम्प्लॉय थे, उनके फीवर था, पर वो फीवर कोरोना का नहीं था, मगर फिर भी हमने सावधानी बरती और सबसे पहले जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि उसको फीवर है तो उसको हमने यही कहा कि साहब आप अपने घर जाइए। और ये मेरी इच्छा ये है, मैंने इसी तरह के इंस्ट्रक्शन दिए है कि अगर हमारे पास कोई भी स्टाफ मेंबर, वैसे अब हमने यूनिवर्सिटी खोल दी है, कॉलेजेस भी खोल रहे हैं कुछ हद तक, वैसे हमारी सबके लिए तो समर वेकेशन है और 15 जून तक ये समर वेकेशन है, मेरे अंदर से समर वेकेशन थोड़े दिन के लिए और बढ़ सकती है। और जैसा कि परसों हमारे मुख्यमंत्री साहब ने नया रास्ता बताया, उन्होंने कहा है कि जुलाई के सेकेंड वीक के बाद अगर ठीक रहा, अगर ये कोरोना का जो अटैक है ये इतना ज्यादा कंप्लीट नहीं रहा तो उस केस में हम एग्जामिनेशन कराएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन के प्रति आप इतने चिंतित ना हो। मैंने देखा कई छात्र मेरे पास भी आए, उन्होंने ऊपर भी लिखा कई जगह साहब हम एग्जाम नहीं करना चाहते। यहाँ मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय भले आज की डेट में एक्रेडिटेड नहीं है नेट के द्वारा, मगर हमने प्रक्रिया शुरू कर रखी है। पहले हमारा A+ एक्रेडिटेड था और इस कारण से हमारी वस्तु से स्थिति बहुत अच्छी थी। 1000 यूनिवर्सिटीज में 600 यूनिवर्सिटीज नॉन एक्रेडिटेड है, हमारा 400 जो यूनिवर्सिटीज थी उसमें भी हम A+ में थे। आप ये मानते चलो हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी और निश्चय ही हम आगे भी हमारी स्थिति और अच्छी करेंगे। और इसके लिए हमने सबको तत्पर रहना चाहिए कि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल है या नॉन फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि बीए का ये कोर्स है, बीएससी का ये है, बीकॉम का ये है, एमकॉम का ये है, इसी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज रहती है। और इस तरह के जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें दो ही तरह के प्रोविजन रहते हैं, एक तो ये जिसको हम कहते हैं कि साहब जो भी लर्निंग हम करा रहे हैं उसका इवैल्यूएशन जरूर कराना, यानी कि एग्जामिनेशन तो जरूर होगा। अब एग्जामिनेशन क्या होगा उसमें दो ही प्रस्तुति होती है, कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो या ऑफलाइन हो। अगर हम ये कहें कि सबको प्रमोट कर दिया जाए तो वो वस्तु स्थिति से बहुत परे है और उसके हिसाब से हमारी डिग्री भी भविष्य में, मैं नहीं चाहता कि मेरे छात्र किस विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं उनको भविष्य में इस तरह की कोई दिक्कत आए और वो ये सोचे कि साहब हमारी यूनिवर्सिटी बेकार थी, उन्होंने ऐसी डिग्री दी। मेरे को याद है जब मैं 1980 में मैंने बीटेक करी थी सीटीई से, जब सीटीई सुखाड़ा यूनिवर्सिटी का एक पार्ट होता था, उस समय जब हम कई जगह पोस्ट अप्लाई करते थे तो एमपी की कई यूनिवर्सिटीज का लिखा हुआ आता था कि इन यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट दे नीड नॉट टू अप्लाई, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहता, वर्तमान में यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी स्थिति में है। मगर एक समय ऐसा था कि वहां के छात्रों के लिए बाकायदा उन्होंने लिख दिया था कि साहब वहां के छात्र किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई न करें। तो मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सबको आज इस कोरोना की जो दिक्कत आई है उससे हमें उभरना है और हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से जब भी घर से बाहर निकले, अब ये है कि सबको बाहर निकलने की परमिशन दे दी गई है, मतलब जब भी घर से बाहर निकले आप मन में ये सोचें कि वाकई में मेरा बाहर निकलना बहुत जरूरी है क्या। मैं भी बहुत कुछ अभी भी मैं घर से कर रहा हूँ, मगर मैं रोजाना ऑफिस जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। मैं जिस समय मार्च के महीने में फर्स्ट लॉकडाउन था तब भी मैं गया, क्योंकि मार्च में कि आप सबको मालूम है फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है और इस कारण से हमें सबको जाना भी पड़ता है, तो उस समय सबकी जितनों का भी सबका पे और अलग जितने बिल पास करने के लिए, मगर हम हमेशा उस समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते थे। बस आगे भी अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप ये कंटेक्ट कर लें कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको अपने दोस्त से हाथ नहीं मिलाना है, आपको अपने दोस्त से दूर से हाथ हिलाना है और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग छोटी छोटी चीजें हैं। कई चीजें आप ये देखो कि हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं साहब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। अगर हम अपनी नाक और मुंह को ढक कर रखेंगे अच्छे मास्क से और आप दूर रहेंगे तो निश्चय ही हमारे को उसके द्वारा फैलने वाला वायरस हमारे पास नहीं आएगा। अगर आप सड़क पे भी जाते हैं, मैंने देखा आजकल वॉक पे है, हमारे कई सीनियर सिटीजन वॉक पे मिल जाते हैं, मैंने भी शुरू कर दिए 3-4 दिन पे, तो मैं देखता हूँ कि वॉक पे करते समय वो अपने मुंह से हटा देते हैं, जबकि मैं उनसे मैंने कई बार से रिक्वेस्ट भी करी है। और वही चीज मैं आप सबको कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप बाहर निकलें आप ये देखें कि कई बार हमारे सफाई कर्मचारी सवेरे सवेरे सफाई करते रहते हैं और उसके कारण से धूल उड़ती है। अगर किसी भी कोरोना पेशेंट ने पहले मास्क फूका हुआ है तो उस धूल के कारण वो वायरस हवा में जाएंगे और वो वायरस आपकी नाक और मुंह के कारण अंदर जाएंगे। आप ये ध्यान में रखें कि इस तरह के वायरस की आपको एंट्री नहीं देनी। जब भी घर से बाहर निकले बहुत ही ज्यादा मजबूरी हो तब निकले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आने की अभी आवश्यकता नहीं, जब भी होगी हम आपको आमंत्रित करेंगे।
हम आपको सही तरीके से इन्वाइट करेंगे, ऐसा नहीं कि आप तुरंत आ जाएंगे, हम बाकायदा डिसाइड करेंगे किस तरह से हमें बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमें किस तरह से सैनिटाइजेशन करनी है। तो ये दो चीजें तो ये ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, दो गज की दूरी एक दूसरे छात्र से या किसी भी व्यक्ति से, और दूसरी ये कि मास्क आपको लगाना है। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम हमेशा एक घंटे बाद, ये भी देखा गया कि हम कई जगह कई सतहों को छूते हैं, कई तरह के मेटलिक सरफेस है उनको छूते हैं, दीवार को छूते हैं, तो हमारे गेट छूते हैं, छूते हैं उनके छूने से अगर वहां पर कोई वायरस है तो वो अपनी उंगलियों में आ सकता है और उस कारण से हमें वापिस हम कंटेमिनेट हो सकते हैं। ये देखा गया, मैं चीजें छोटी छोटी चीजें इसलिए मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि ताकि मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर सकूँ। ये देखा गया है कि इन ये जो वायरस होता है 5 से 6 दिन तक हमारे या तो नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा अंदर जाता और गले में रहता, 5 से 6 दिन तक ये गले में रहता और उसके बाद अगर ये अपनी कॉलोनी बनाता है वहां जाकर मल्टीप्लाई होता है और इतना मल्टीप्लाई हो जाता है जब इसकी संख्या 10,000 और 15,000 से ज्यादा हो जाती है तब ये अपना अटैक करता है और जब वो स्थान विशेष को देखते हुए फेफड़े में चला जाता है, फेफड़े को जकड़ लेता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आदमी दम घुटने लगता है। ये बहुत सीवियरिटी होती है, कोरोना जब कोविड में कन्वर्ट होता है जब ही होता है। अगर आपके कोरोना ने अगर आपके आंखों के थ्रू जो जा रहा है वो करीब 10 से 15% चांसेस रहते हैं, अन्यथा तो दूसरा मिनिमम है हमारे नाक से और मुंह से जाना बहुत ज्यादा रहता है, दूसरा नाक से रहता है और उससे में जब वो अंदर चला जाता है तो उससे में केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी भी पियेंगे तो वो जितना भी कोरोना के वायरस बढ़ रहा है वो सारा का सारा आपके गले से होता हुआ पेट में चला जाएगा। पेट एक तरह की भट्टी है और उस भट्टी में जाने के बाद वो तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। छोटी छोटी सावधानियां जिसको हम रख सकते हैं। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जब मार्च में शुरू हुआ था उस समय मेरे को भी बहुत जबरदस्त फीवर हुआ था, मेरे को ये लग रहा था उस समय बहुत बातें चाइना की हम सुन रहे थे और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सप्ताह भर में सारा बिल्कुल ठीक हो गया। हो सकता है वो कोरोना था या नहीं था ये मैं नहीं कह सकता, मतलब मेरे सारे लक्षण वही थे और उसके बाद आज भी मैं ध्यान रखता हूँ और मैं कि जो भी मेरे से व्यक्ति मिलना आता है अपरिचित व्यक्ति से मैं मिलते समय उनसे ये कहता हूँ कि आप दूरी मेंटेन रखें, आप भी इसी तरह की बात रखें, सिटी में भी कहीं जा रहे हैं कोई परचेजिंग करने जा रहे हैं तो सबसे ये अपेक्षा करें कि वो दूर रहे, अगर परचेजिंग कर रहे हैं तो पहले देखें कि उस दुकान में कोई एलईडी कोई खड़ा हुआ है तो आप अंदर न जाएं। तो मेरी आपसे एक तरह की अपील है कि आज आप एक तरह की ओथ लें कि हमने कोरोना को घर में नहीं घुसने देना, अगर आप बाहर जाओगे तो आपके सारे वो वापस आएगा। और मैंने देखा कि सबसे ज्यादा विक्टिमाइज जो हमारे हैं वो हैं सीनियर सिटीजन जिनकी 65 साल से ज्यादा उम्र है और जूनियर हमारे जितने भी जिनकी उम्र 35 साल से नीचे है, जितने भी यंग हैं उनको भी ये इफेक्ट हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और जितने भी सीनियर हैं उनकी नेग्लिजेंसी के कारण और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता है, इस कारण से ये ज्यादा बढ़ता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी अगर बुखार होता है या गले में खराश होती है तो आप ये देखें। कई चीजें मैंने देखा कि स्टूडेंट्स भी हमारे प्रोएक्टिवली जाके कईयों को कहते हैं कि साहब अगर यूनिवर्सिटी खुल गई तो हम ये कर देंगे ये कर देंगे। हमने यूनिवर्सिटी खोलने का कोई भी इतना विशेष स्नेह नहीं है, मगर हम भी गवर्नमेंट के साथ बंधे हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट की डायरेक्शन देंगे हम आपकी यूनिवर्सिटी को, हम भी ये चाहते हैं कि आपका भविष्य खराब न हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो हमारे अंतिम वर्ष के छात्र है सबसे पहले उनके एग्जामिनेशन कराएंगे, जैसे ही गवर्नमेंट हमें स्वीकृति देगी कि साहब 2nd वीक ऑफ जुलाई से करना है या 3rd वीक ऑफ जुलाई से करना है, ऐसी भी डेट हमारे पास आती है हम एग्जामिनेशन के लिए करेंगे। उस समय हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान में रखेंगे और हम 2 दिन की जो पहले जो हमारे 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर एक कोई परीक्षा हो जाती थी किसी भी विषय की वो हम हो सकता है 20 दिन में हो, और हम ये भी चाहेंगे कि साहब आप किस तरीके से 2 सेंटर पहले हम करते थे कि 2 सेंटर में ही हमारे सारे स्टूडेंट आ जाते थे, हो सकता है हमें 4 या 5 सेंटर लेना पड़े, जितने भी कार्य हमें करने पड़ेंगे हम अपने तरीके से करेंगे। और मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी इच्छा नहीं होगी कि ये यूनिवर्सिटी में एक भी स्टूडेंट हो या टीचर्स हो या स्टाफ हो किसी एक भी व्यक्ति को कोरोना का अटैक हो, क्योंकि अदरवाइज तो क्या होगा कि अगर एक भी व्यक्ति हो जाता है तो हमें नीचे ही हमारे को यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ेगी। और मैं यही चाहता कि यूनिवर्सिटी बंद करते ही हमारे भविष्य हमारे छात्रों का भविष्य खतरे में आ जाए, इसलिए हम सब भी तत्पर रहेंगे। जैसे ही मौसम ठीक रहे हो जाएगा ऐसे ही हमारे कोरोना के प्रति हम जब निश्चित हो जाएंगे उस समय हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमें जिस तरह के डायरेक्शन मिलेंगे उस तरह का हमें ध्यान में रखना है,
मुंह और नाक का ज्यादा ध्यान में रखना है, हाथों को रेगुलरली आपको साफ करने, 20 सेकंड तक ये बताया गया कि 20 सेकंड तक आप हाथों को अच्छे साबुन से साफ करें, जिससे कि उस पर रहा हुआ कोई भी वायरस है वो निकल जाए। और उंगलियों को आपके नाक और मुंह से नहीं लगाना, मैंने देखा कई बार गलती कर लेते हैं इस तरह की। और जहाँ पे भी आपको रखना है आप हमेशा ध्यान में रखें कि अगर एक बार वायरस आ भी गया तो 4-5 दिन तक जब आपके गले में है उसके बाद भी 7 से 14 दिन तक आपको खतरा रहता है, क्योंकि तो छोटी सी मात्रा में होने के बाद भी ये वापस बढ़ता रहता है। और ये सर एक तरह का वायरल नहीं है, तो एक तरह का फ्लू है जिसको हमें ध्यान में रखना है। और फ्लू से हमें डरना भी नहीं है। और रोज दिन में दो तीन बार अगर गर्म पानी पियेंगे तो नीचे ही आपको इसमें से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ाना है। आप ये देखें कि सवेरे अगर मैंने देखा छात्र जो भी कॉलेज में जाते हैं वो थोड़ा सा दूध नहीं पीते हैं, मगर आप सवेरे भी एक गिलास दूध पिए, शाम को भी एक गिलास दूध पिए, सवेरे जो गिलास दूध पी रहे हैं उसमें प्रोटीन पाउडर डाल के पी रहे हैं, शाम को जो दूध पी रहे हैं उसमें आप हल्दी डाल के पिए, इससे क्या होगा कि आपको इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। और ये मैंने देखा है कि ज्यादा जरूरत नहीं है, एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, 1 स्टूडेंट 1 टीचर 1 पेन एंड 1 बुक कैन चेंज द होल वर्ल्ड। यानी कि एक छात्र, एक अध्यापक, एक पेन और एक कॉपी ये पूरे विश्व को बदल सकती है। इसलिए आपका रहना, आपका काम करना और आपका आपने मन में आप उनका धैर्य रखें ये बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाह रहा हूँ कि आप अपने इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आप कई तरह के काढ़े आ रहे हैं जिसमें लौंग है, काली मिर्च है, तुलसी के पत्ते हैं, इस तरह की चीजें आती है उसका भी सेवन करें। और आप ये ध्यान में रखें कि मन की समस्याओं का समाधान भी मन के अंदर ही है। मैंने देखा कई बार छात्र एक्साइटेड होते हैं, कई छात्रों के प्रतिनिधि हैं वो भी मेरे से मिलते हैं, मगर उनको मैं जब देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि ये इतने क्यों डर रहे हैं। ऐसा नहीं है, डरना नहीं है हमें, हमें लड़ना है। और लड़ने के लिए हमें ध्यान में रखना कि जब प्रकृति नहीं हो रही है तो नेचर चेंज हो गया। मैं पढ़ रहा था कि साहब दिल्ली के अंदर जो पहले इतना पॉल्यूशन होता था, गंगा इतनी मैली हो गई थी, वो वापस स्वच्छ हो गई है। तो हमें ध्यान में रखना कि प्रकृति नहीं हो रही है तो क्या हम नए नहीं हो सकते? क्या हम भी नए होना, हमें भी नए सिरे से कार्य करना है। और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जरूरत ये है कि एजुकेशन जहाँ तक है वो अब एजुकेशन सीमित हो गई है, हमारी ऑनलाइन एजुकेशन या हम इसको ई मॉड्यूल कहते हैं या हम उसको किसी भी तरह MOOC या SUM इस तरह के कई प्लेटफॉर्म है, यानी कि क्विक लर्निंग। अब एजुकेशन जो हो गई है वो क्विक लर्निंग हो गई है। जो पहले हम एक सेमेस्टर में पढ़ाते थे वो अब हम एक महीने में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब हमें क्या बहुत सारी चीजें जो है, यानी कि जो शिक्षा के लिए जरूरी होता है, सबसे पहले जरूरी होता है ज्ञान जिसको हम नॉलेज कहते हैं, दूसरा होता है सोशल स्किल, तीसरा होता है हमारी योग्यता जिसको एबिलिटी कहते हैं, चौथा होता है एक्सपीरियंस जिसको अनुभव कहते हैं। इन चारों चीज की ब्लेंडिंग करते ही शिक्षा कहलाती है। हम किस तरह से हमारी ऑनलाइन एजुकेशन में, मैं हमारे टीचर्स को भी बधाई देना चाहता हूँ। शुरुआत में टीचर्स ये कह रहे थे कि साहब ये एक तरह के हमारे पास नया काम हो जाएगा, मगर मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हमारे MLA हमारे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के सभी टीचर्स ने बड़ी तल्लीनता से, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोर्स कराया और करा भी रहे हैं, इवन बहुत सारे ने तो अपना कम्प्लीट करने का मेरे को सर्टिफिकेट तक दिया है, हमने पूरा कोर्स करा लिया है। हो सकता है भविष्य में इसी तरह की काम चले। आपके कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, और आज वर्तमान में 1000 यूनिवर्सिटी में से 990 यूनिवर्सिटीज का मैं देख चुका हूँ कि जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की है। यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि कागजों में है और जिनके पास ज्यादा स्टूडेंट नहीं है उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, अन्यथा तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन कराई है। इवन IITs में, IIT दिल्ली का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ से मैंने M.Tech करी थी, मैं वहाँ से संपर्क में हूँ। वहाँ के डायरेक्टर साहब ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये कहा कि साहब हम एक एग्जामिनेशन रखेंगे, केवल हमारा जो उन्होंने एक वर्ड दिया ईगो EGO अर्ली ग्रेजुएटिंग ऑप्शन, यानी कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए एग्जामिनेशन देने के लिए आ सकते हैं क्या। उन्होंने भी दो तरह का उसमें प्रोविजन रखा। पहला प्रोविजन रखा ऑडिट। ऑडिट का मतलब ये है कि जैसा आपकी पास परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपको मार्क दे दिया जाए, मगर और दूसरा उन्होंने रखा कि क्रेडिट, और जिसमें क्रेडिट में रखा कि जब आपके हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम आपके एग्जामिनेशन करेंगे। आप लोगों को सरप्राइज होगा
कि किसी भी छात्र ने, IIT के किसी भी छात्र ने ये नहीं कहा कि साहब मेरे को ऑडिट करा के मेरे को पास हिस्ट्री में जितने मेरे मार्क्स थे उतने ही मार्क्स मेरे को देख के और मेरे को प्रमोट कर दिया। सबने कहा कि साहब हम क्रेडिट लेंगे, हम एग्जामिनेशन में अपियर होंगे और हम ये चाहेंगे कि साहब हम कुछ करके दिखाएं, क्योंकि इस ऑनलाइन पीरियड में जब हम लॉकडाउन में थे तब हमने बहुत सीखा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धैर्य रखें और साथ में दूरदृष्टता रखें। लेट अस हैव सम होप। और धैर्य रखने का मतलब ये कि धैर्य जब ही आ सकता है कि जब आपको विश्वास हो, जब आपको यकीन हो, फेथ हो, ट्रस्ट हो, तभी आपको धैर्य हो सकता है। यानी कि आपको सिस्टम में विश्वास रखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी तत्पर है आपको पढ़ाने के लिए और आपका एग्जामिनेशन कराने के लिए, और जहाँ तक जरूरी होगा हम आपके इस तरह से एग्जामिनेशन कराएंगे जिससे कि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। आपका स्वास्थ्य खराब हो उससे पहले तो मैं कहूंगा सबसे पहले मेरा स्वास्थ्य खराब हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे छात्र छात्राएं जिनको पास जीवन का बहुत बड़ा समय बाकी है वो धैर्य पूर्वक काम करें और हिम्मत से हर चुनौती का सामना करें। हिम्मत से चाहिए हमें। मैं कई बार देखता हूँ, मैंने मेरे टीचर से भी जब रिक्वेस्ट करी, बात करी, तो मैंने उनको कहा कि हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम छात्रों को किस तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप करें, और आज हमें संकल्प की शक्ति है जो उसी से हमें आगे बढ़ना है और उसी से नेगेटिविटी खत्म हो सकती है। मैंने देखा बहुत सारे नेगेटिविटी पालना बहुत इजी है, आप किसी भी चीज को देखें। मैंने देखा कई बार एक छात्र ने अभी हमारे राजभवन से बिल्कुल ध्यान प्राप्त हुआ था, किसी एक छात्र ने ये लिखे दिया कि साहब अगर एग्जामिनेशन आप करा रहे हो और एग्जामिनेशन होता है और किसी भी छात्रों को दिक्कत होती है तो हम छात्र शक्ति को बता देंगे, हम सारी यूनिवर्सिटी जला देंगे, उससे क्या फायदा होगा अब मेरे को बताएं। चलो हम ये डिसाइड कर लेते हैं, चलो एग्जामिनेशन नहीं कराना। मगर एग्जामिनेशन ना कराने का मतलब ये नहीं कि आपको डिग्री मिल जाएगी। एग्जामिनेशन तो हमें कराना, हम किस तरह से एग्जामिनेशन कराएं, किस तरह से सरलतापूर्वक एग्जामिनेशन कराएं और किस तरह से आपको किसी भी तरह का टेंशन ना हो, ये हमारी ड्यूटी होती है। हम ये चाहते हैं कि आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं उनको हम सॉल्व करें, और उसके लिए हमारा राजभवन भी, हमारे माननीय जो कुलपति जी हैं गवर्नर साहब, वो भी रेगुलर टच में है। उन्होंने पर्सनली मेरे को पत्र लिखा, पर्सनली उन्होंने हमारे सारे डीन डायरेक्टर्स को ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में समझाया, इवन उन्होंने ये बताया कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी पर्सनली, मैं उस कमेटी का एक मेंबर भी था और इस कारण से हमने भी अपने विचार रखे। हमारे पास जितने भी छात्रगणों के विचार आए थे वो हमने दिए, मगर जब ये देखा गया कि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें केवल यही चीज है हमने ध्यान रखते हुए करना, इसलिए मैं सबको आपको कहना चाहता हूँ प्रोडक्टिव बनते रहेंगे तो हमें प्रकृति भी हमारी मदद करेगी। अगर हम नेगेटिविटी रखेंगे, नेगेटिव थिंकर्स क्या होते हैं कि वो बेसिकली हमेशा अपॉर्चुनिटी में भी डिफिकल्टी ढूंढते रहते हैं। वो देखते हैं कि जब मौका भी मिला तब भी नकारात्मक है, जबकि पॉजिटिव जो होते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं डिफिकल्टी में भी। हमें देखना है कि जब डिफिकल्टी है, आज के समय में मैं मानता हूँ कि यही चीजें डिफिकल्टी है, अब तो हम लॉकअप पीरियड में आ चुके हैं और इस समय अब डिफिकल्टी हमारी खत्म होगी। वाकई में जो ऐसा समय था जिस समय हमें वाकई में चिंता करनी चाहिए थी वो समय तो हमारा निकल गया। अब हमारा समय है लॉकअप फॉर 30 जून तक। हो सकता है हमें 30 जून से पहले इस तरह के डायरेक्शन मिल जाए स्टेट गवर्नमेंट से कि आपको कॉलेजेस शुरू करने हैं, तो कॉलेज हम किस तरह से शुरू करेंगे। हमारा केवल अभी फिलहाल प्रोविजनल एडमिशन देके हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सेकंड ईयर में कर देंगे, सेकंड ईयर को थर्ड ईयर में कर देंगे, थर्ड ईयर वालों को हम एग्जामिनेशन अभी नहीं कराएंगे जब तक एग्जामिनेशन का शेड्यूल गवर्नमेंट हमें पास करनी करती है। जैसे ही गवर्नमेंट पास करेगी सबसे पहले हमारे फाइनल ईयर का और थर्ड ईयर के स्टूडेंट का हम एग्जामिनेशन कराएंगे। इसी तरह से हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है उनके फाइनल ईयर के स्टूडेंट का हम एग्जामिनेशन कराएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं है 1,80,000 स्टूडेंट के ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने के लिए, और हमारी यूनिवर्सिटी की भी दयनीय स्थिति इतनी है कि हमारे पास भी फाइनेंशियल की बहुत कमी है। एज ए वाइस चांसलर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे पास इवन एग्जामिनेशन के नए सेंटर बनाने के लिए और उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए हमारे पास वाकई में एक चिंता का विषय है हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमने अब ये भी लग रहा है कि राज्य सरकार भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी, और हमें भी ये मानना भी चाहिए क्योंकि राज्य सरकार के पास बहुत सारे ऐसे उत्तरदायित्व है जिनको और उनका कर्तव्य है जिसके लिए वो तत्पर है और कर भी रहे हैं। फिर भी इस समय में उन्होंने हमारी सैलरी दी, उस समय में हमारा इतना हिम्मत बांधी, उसके लिए मैं वाकई में राज्य सरकार के लिए नतमस्तक हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब भी अपना ग्रीवेंसेज ना शो करके आप उनको अप्रिशिएट करें
और हर प्लेटफॉर्म से ये कहें कि साहब राज्य सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है, आपको अपना संस्कार बढ़ाना है, आपको आपको ये देखना है कि किस तरह से अपनी संगति अच्छी रखें, आपको एकता भी दिखानी है, मगर एकता ऐसी नहीं दिखानी जिस तरह से पहले दिखाते थे। झुंड में तो आपने देखा होगा कि सब झुंड में जो आते हैं वो दूसरे जानवर आते हैं, केवल शेर तो अकेला आता है। मैं तो आज ये कह रहा हूँ कि हमारे को कोरोना ने सबको शेर बना दिया, सब अकेले घूम रहे हैं, हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मास्क लगाते हुए आगे बढ़ता है और उसकी व्यक्तिगत छवि होगी और वो एकता बता रहा है। और इस समय की बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको देख के बड़ा गर्व भी होता है। मैं आपने भी अखबार में पढ़ा होगा कि भीलवाड़ा में एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन थी और उन्होंने जब गाड़िया लोहार जो होते हैं अपनी जो महाराणा प्रताप की सेना थी उनके पास जाकर जब उनको खाने पीने के पैकेट दिए तो वहां के गाड़िया लोहार ने वो पैकेट लेने से मना कर दिया और उसके साथ साथ उन्होंने 250 से 300 पैकेट खुद बना रखे थे गाड़िया लोहारों ने। और उनके जो उनका जो मुखिया था वो उस वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन के पास उनकी गया उसी समय और उन्होंने कहा कि साहब आप अपना सामान रखते हो और हमारी तरफ से भी 250 बैग लेके जाना है और इन 250 बैग को भी उन व्यक्तियों को आप दें जिनको की इनकी आवश्यकता है। हमें इनकी आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि हमने हमारे पास अपना कार्य इलाज पूरा अपना अनाज का और हमारे राशन का हमने प्रबंध कर रखा है। तो आप ये देखिए छोटे सी एक ऐसी जाति विशेष जो कि जिनका कोई स्थायी सत्य नहीं है और वो घुमक्कड़ एक प्रगति के रहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते हैं, उनको ना तो कोई मकान की जरूरत है ना उनको कोई ऐसा बड़ी लग्जरी और गाड़ियों की और उनकी जरूरत है, वो उनकी अभी भी बैलगाड़ी है और उनके पास अभी भी बैल है उनको लेके चलते हैं। मगर देखो कितनी हिम्मत करी। ऐसे ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक बांसवाड़ा के एक करसन साहब थे, उन्होंने भी इसी तरीके से अपने जितना भी गेहूं हुआ था सारा का सारा गेहूं उन्होंने अपने गांव के जितने भी ऐसे व्यक्ति थे लेबर थे जो जिनके पास खेती बाड़ी नहीं थी उनको उन्होंने दिया। तो हमने ऐसे समय में आगे बढ़ के हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जॉय ऑफ गिविंग एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, हमारे संजय लोढ़ा साहब के कन्वीनर है और वो आगे हम कोर्स को बढ़ाएंगे। उसमें हमें ये चाहता हूँ कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा ये देखें कि कैसे हम हमारे पास जो भी उपलब्ध है हम सबको सबके पास उपलब्ध करा सके। मैं जैसे आपको बता रहा था मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि नहीं दिया कि हमारा एक फॉरेन यूनिवर्सिटीज है और उस फॉरेन यूनिवर्सिटी ने तो यहाँ तक कह दिया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिसका आपने नाम सुना होगा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और विश्व में उसका चौथा पांचवा स्थान है, उन्होंने तो इतना कह दिया कि कोरोना रहे ना ना रहे रहे या ना रहे हम हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ऑनलाइन ही करेंगे और उन्होंने कह दिया कि साहब सितंबर 2021 तक हम हमारा यही सिस्टम लगा के रखेंगे और उसमें आप ये देखो जो भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं उनके पास एडिशनल उनके पास एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। हर स्टूडेंट को रुपीज के क्रम में 8,70,000 के करीब उनके ऊपर पर एनम खर्चा हो रहा है। ये देखना है कि सबसे ज्यादा हमें क्या क्या करें क्योंकि बेसिकली क्या है कि कुछ थोड़ा बहुत तो हमें खर्चा करना पड़ेगा, हमें कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ेगा और ऐसे समय पे करना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा था गूगल सर्च पे, आप ये देखें गूगल एक सर्च इंजन है और अप्रैल के महीने में उस सर्च इंजन में सबसे ज्यादा जो सर्च हुआ एक शब्द हुआ जिसको कहते हैं हम इंसोमानिया। इंसोमानिया का मतलब होता है अनिद्रा। तो आप ये देखो विश्व में ऐसे कई स्थान विशेष बताए गए यूएसए और इसमें उन्होंने वहाँ मैक्सिमम सर्च यही किया सर एन इंदिरा के क्या कारण हो सकते हैं कैसे इंदिरा कन्वर्ट करें। तो सारा देश उस समय दिखता था। यूएसए में आप ये देखें कितने ज्यादा विक्टिमाइज हो गए, 1,00,000 से ज्यादा हमारे पास देखा जाए वो 3% ही है, 2,00,000 हमारे विक्टिमाइज हुए जिसमें से 1,00,000 ठीक हो गए हैं और 3,00,000 के करीब हमारे मोस्ट इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ इससे डरना नहीं है और हमें ये देखना है कि किस तरह से आगे काम करें। और इवन बहुत सारे जगह तो अब कॉल सेंटर बन गए हैं और वर्ल्ड में कि जो कॉल सेंटर है ना कई तरह की किस तरह से हम रिलैक्सेशन रहे इस कोविड के कारण बहुत लोगों ने टेंशन पा लिया, दे मेनी पीपल आर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर एंजाइटी, इसी तरह से उनकी पास वरीज को लेके बैठे हुए हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, इस कारण से वो बहुत सारे कॉल सेंटर का धंधा शुरू हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें इन सब चीजों से दूर रहना। अब हमें ये मानना है कि हमारे देश में अब कुछ ज्यादा नहीं होगा, केवल हमें सावधानी बरतनी है
और ये ध्यान में रखना कि किस तरह से हम भगवान का भी धन्यवाद दें, हमारे पेरेंट्स को भी धन्यवाद दें, टीचर्स को भी धन्यवाद दें। एक केस और मेरे दिमाग में आ रहा है कि स्विट्जरलैंड में भी बहुत सारे केसेस हुए थे, जबकि स्विट्जरलैंड स्वर्ग कहलाता है, इतना बढ़िया नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ पर, और उस कारण से वहाँ हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है कि मैं स्विट्जरलैंड एक बार अपनी लाइफ में जाऊँ। बस स्विट्जरलैंड में अभी इतने ज्यादा केसेस हुए बिकॉज ऑफ टूरिस्ट, ओनली टूरिस्ट माइग्रेशन बहुत हुआ था, इस कारण से मैक्सिमम केसेस वहाँ हुए। तो जब एक वहाँ 67 ईयर का एक आदमी था, बूढ़ा व्यक्ति, और जब वो भी कोरोना से विक्टिमाइज हो गया था, मैं उसका नाम भूल गया, अगर उसकी न्यूज आई थी, और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में गया तो उसको फिर वेंटिलेशन में रख दिया था, और वो वेंटिलेशन में जो रखा गया था उस समय उसके पास सबसे, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है वेंटिलेशन में, उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है, तो उस समय जब वो वापस ठीक हो गया और जब वो जाने लगा तो उसके हॉस्पिटल वालों ने उसको बिल दिया, तो वो बिल देख के रोने लगा। तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने सोचा कि शायद ये बिल देना नहीं चाह रहा होगा, इसके पास पैसे की कमी होगी, तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप बाद में जमा करा दें। उसने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल जमा करा सकता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं, मगर मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं उस भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ जिसने 67 साल तक मेरे को फ्री ऑक्सीजन दी, मेरे को फ्री प्लेस दिया, और मैं इतने अच्छे तरीके से स्वस्थ रहा। केवल 3 दिन जब मैं वेंटिलेटर में पड़ा तो इतना मेरे को कहता आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने के लिए, तो मैंने भगवान को धन्यवाद देने दिया। तो मैं आप सबसे यही विनती करना चाहता हूँ कि हमें ध्यान में रखना है कि हमने अब एग्जामिनेशन कभी भी हो, जुलाई में हो, उसके हम प्रायर जैसे हमें परमिशन मिलेगी हम आपको देंगे, मगर आप उससे पहले अगर कॉलेज खुलते हैं तो हम प्रोविजनल एडमिशन दे देंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑनलाइन एजुकेशन ही हमारा रहेगा। एडमिशन होने के बावजूद कि आप कॉलेज में नहीं आओगे, हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन ही कराएंगे, मगर मेरी आपको सबसे रिक्वेस्ट, मेरी अपील है, ये रिक्वेस्ट भी है और अपील भी है कि आप ना उम्मीदी मत रखें, इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग रखें, जब भी इम्यून सिस्टम वीक होगा आप ये मान के चले बीमारी ताकतवर होती जाएगी और बीमारी आपको धकेलेगी, और उस कारण से आप वाकई में आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करोगे, आपको आत्मविश्वास भी रहेगा, मगर आपको आज के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा आत्मविश्वास रखना है, आपको ज्यादा यकीन रखना है, आपको ज्यादा विश्वास रखना है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी हो जाए आदमी, आपको अगर आप कहीं पर भी एक्सीडेंट भी होता है तो कहीं पर हाथ टूट सकता, पांव टूट सकता, मगर कोई व्यक्ति आपका कुछ नष्ट भी करना चाहता है तो आपको नुकसान पैसे की तरह से नुकसान दे सकता है, मगर आपकी जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है, आपका जो मस्तिष्क है, उसको कोई छीन नहीं सकता। तो मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आगे चले, आप ये देखें कि मेरा भविष्य किस तरह से सही होगा और उस तरीके से आप आगे चले, और साथ में ये भी ध्यान में रखें कि ऑनलाइन एजुकेशन ही अगर सॉल्यूशन है तो उसको किस तरह से मैं ढालूं और किस तरह से ज्यादा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं। कई ऐसे एग्जांपल हैं मैं आपको दे सकता हूं, मगर अभी 12:15 हो रही है। मैं आप सबसे ये कह रहा हूं कि आपको अच्छी ऊर्जा प्राप्त करनी है, एनर्जाइज हो, अपने आप को इन्वॉल्व भी हो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, और आप इन्हें अच्छे विद्यार्थी बन के सामने आओ। आप ये देखो कि किस तरह से आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, कैसे कर सकते हो। यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी बेसिकली ये कहते हैं कि इसमें देर इज ए ओनली प्रोविजन ऑफ 4D इन ए यूनिवर्सिटी। फर्स्ट थिंग इज ए यूनिवर्सिटी इज ए डिफेंड प्लेस। डिफेंड प्लेस मीन्स वहाँ कहीं पे भी कोई भी मार झाड़ झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है। इट इज ए डिफेंड प्लेस फॉर लर्निंग एंड फॉर टीचिंग। सेकेंड थिंग इज इट इज ए प्लेस फॉर डिस्कशन। आप कोई भी चीज आप डिस्कस करें, आर्गुमेंट ना करें। डिस्कशन का मतलब ये होता है क्या चीज सही है वो प्राप्त करने की कोशिश करें। आर्गुमेंट का मतलब होता है कौन सही है, हमें ये नहीं प्राप्त करना कौन सही है, हमें ये देखना है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या सही है। तो डिस्कशन करने के लिए यू कम फॉरवर्ड, और उसके लिए आप किसी भी अध्यापक से बात कर सकते हो, आपके टीचर से, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से। साथ में तीसरी चीज जो कहलाती है, इट इज ए प्लेस फॉर मेकिंग ए राइट डिबेट। डिबेट करना है आपको, अगर आपको अपने पक्ष में बोलना है तो अपनी गरिमा पूर्वक आप पक्ष में बोले, विपक्ष में भी बोलना है तो उसमें आप ये मान के चले आपकी भूमिका क्या है और उसके हिसाब से करें। और आप केवल चौथी चीज कहलाती है कि ये दिस इज ए प्लेस फॉर मेकिंग ए राइट टाइप ऑफ ए पॉजिटिव डायलॉग आपको अच्छी तरह से। दैट इज द ओनली यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में और किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं। यूनिवर्सिटी इज नॉट सपोज टू हैव एनी टाइप ऑफ ए सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मैंने देखा कि पॉलिटिक्स जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में भी है उस यूनिवर्सिटी का भविष्य खतरनाक है, और किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर भविष्य खतरनाक होता है
तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है हमारे छात्रों के भविष्य के साथ, क्योंकि जो अध्यापक हैं उनको तो सैलरी मिलती है, जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको भी मिलती है, मगर हमें ये देखना है कि हमें छात्रों के भविष्य को नहीं डरना है। और एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, आपको पता होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ क्रॉप इज लॉस्ट इट कैन रिकवर्ड इन वन ईयर एंड इफ फॉरेस्ट इज स्क्वायर्ड देन इट विल टेक फ्यू ईयर, बट इन केस ऑफ एजुकेशन इज नो मोर एंड जनरेशन विल नीड टाइम फॉर गेटिंग ए राइट एजुकेशन। तो दैट्स व्हाई आप ये ध्यान में रखें कि अगर क्रॉप खराब होगी, फसल खराब होगी, एक साल में ठीक हो जाएगी, जंगल खराब होगी एक साल में ठीक हो जाएंगे, मगर एजुकेशन खराब होगी तो बहुत साल लगेंगे आपको व्यवस्थित होने के लिए। आपको ध्यान में रखना कि परिवर्तन से डरे नहीं, आप आज अगर कुछ अच्छा खो रहे हैं तो नीचे ही आप कुछ बेहतर भी पा लेंगे। ये गौतम बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध ने कई जगह स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो एक निश्चय है, आप ये परिवर्तन कैसा होता है, कई बार अच्छा लगता है हमें, कई बार हमें बुरा लगता है, मगर जो ये समय है, अगर इससे ये समय गुजर जाएगा, अगर इसका ये वर्ड जो है कि ये समय गुजर जाएगा, इसको अगर आप अच्छे समय में देखें तो आपको लगने लगेगा कि बुरा समय आ रहा है, अगर बुरे समय में अगर इस सेंटेंस को पढ़े तो आपको अच्छा लगेगा कि साहब अच्छा समय आने वाला है। तो आप ये है कि कुछ बेहतर कर पाएंगे ये भविष्य में देखें इसके कारण। और साथ में आप ये हो क्या, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि लोगों में अब कोरोना के साथ रहने के और उसके साथ आगे बढ़ने का उन्होंने सोच बना ली है, और इस कारण से सारे पूरा वर्ल्ड खुल रहा है। अब ये नहीं कि केवल हिंदुस्तान ही खुल रहा है, सारा वर्ल्ड खुल रहा है। और मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि हर हाल में हमें खुश रहना है, और जैसा सोचोगे वैसा हो गए, अगर बूढ़ा सोचोगे तो बूढ़े बन जाओगे, जवान सोचो जवान की तरह से सोचोगे तो जवान बनोगे। आप हमेशा ये रखें, ना उम्मीदी ना रखें, अच्छे स्टूडेंट रखें, और हम सबको मिलकर हमें एमएलएसयू का भविष्य अच्छा करना है। हमें ये कहना है कि साहब पूरे विश्व में ये एमएलएसयू की पत्रकार ठहरे, और हर व्यक्ति ये कहे कि साहब नहीं, एमएलएसयू बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में ये अच्छाइयां है। बुराइयां तो हर कोई व्यक्ति देखता है, मैंने देखा कि अगर जैसे आज मैं कुछ बोला हूँ तो कुछ व्यक्ति जिनके मन में बुराई होगी वो मेरी बुराइयां ढूंढेगा, जो व्यक्ति अच्छे होंगे जिनके मन में अच्छा ही होंगे वो हमेशा अच्छा ही ढूंढेगा। तो मेरे को मैंने अपना कर्तव्य किया है, मैं पहले भी संपर्क करने से चाह रहा था, मगर मेरे को कई बार इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था। मैं ये चाह रहा था कि पहले अपने आप एजुकेशन पूरी हो जाए और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा, और मेरे पास भी कुछ है ना सॉलिड प्लेटफॉर्म मिल जाए कि आप बोलने के लिए कि क्या एग्जामिनेशन कैसे होंगे, एडमिशन किस तरह से होंगे, आगे हमें क्या करना है, इन सब की मैंने जानकारी दी है। आप एक मैं आपसे अंत में एक और अपील करूंगा कि आपका जो सोशल मीडिया है इससे दूर रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारी झूठी चीजें आती है और झूठी चीजें के कारण ही मन विचलित होता है। हमें इधर उधर विचलित नहीं होना है, हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम सत्य को, बिलीफ सिस्टम जो हमारा है उसको स्ट्रांग बनाएं और किस तरह से हम आगे चले। और मैं यही चाहता हूँ कि हम आप सबका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। ओनली कीप इन माइंड एक और इंग्लिश प्रोवर्ब कहते हुए मैं बंद करूंगा आपको कि ऑलवेज वर्क हार्ड एंड कितना वर्क हार्ड करना है एज कम्पेयर टू योर गुड फ्रेंड, मीन्स वॉट एवर यू आर डूइंग वर्क इट शुड बी मोर देन वॉट यूर गुड फ्रेंड इज डूइंग। सेकंड, लर्न मोर हाउ मच एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड, लर्न मोर एंड एक्सपेक्ट लेस हाउ मच एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड, उससे कम जितना आपका फ्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कम एक्सपेक्ट करें, मगर जितना फ्रेंड आपका मेहनत कर रहा है उससे ज्यादा मेहनत करें, जितना फ्रेंड आपसे ज्यादा लर्न कर रहा है उससे ज्यादा आप लर्न करें। तो मेरे अंदाज से इस तरह की जो कंपटीशन रहेगा, हेल्दी कंपटीशन, तो हम वाकई में एक्टिव लर्निंग की तरफ जाएंगे और एमएलए एनवायरमेंट बनाएंगे एमएलएसयू में। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू अपील दैट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट परहैप्स दिस मे बी ऑफ ए राइट चॉइस दैट वी विल हैव ए ऑनलाइन एजुकेशन ओनली एंड थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन वी विल बी इन द पोजिशन टू डू ए रियली जस्टिस। Thank you very much to Dr. Ranveer Saxena ji and Dr. Avinash Pawar sahab and all my staff members on computer department for giving me this opportunity. If it be possible, our deans and directors might have joined, but in case if they have not joined and in case if this recorded things is available, kindly try to circulate it. I have seen that many of our students, they have also tried of my statement. Magar aap sab students se main vinti kar raha hu ki meri message ko aap ye सारी चीजें जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास पहुंचाएं, और आप सबको यही सेकंड है, भगवान से भी ये विनती करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल रहे,
आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार में सब सब शुभ शुभ हो और आप सब प्रश्नचित होके आगे बढ़े और इस कोरोना से डट के आप लड़े और इससे डरे नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लॉट टू ऑल ऑफ यू। बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन से निश्चित रूप से सभी विद्यार्थियों को एक नई ऊर्जा मिली होगी। और जैसा कि हमें बताया गया था कि पिछले सेशन में करीब 1000 विद्यार्थियों के आने से कुछ तकनीकी समस्या आई थी, लेकिन इस सत्र में करीब 350-400 पर हमने उनको लिमिट किया, तो बड़े निर्विघ्न रूप से निर्बाध रूप से आपकी बात सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सकी है। लेकिन मेरा आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध भी है कि जो बाकी विद्यार्थी आना चाहते थे इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, तो उन तक भी आदरणीय सर का ये मैसेज आप जरूर पहुंचाइएगा। हमारे कुलपति महोदय ने आप सभी को बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बतलाया है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं द्वितीय जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कराना आयोजित है। राज्य शासन ने इस संबंध में अपनी जो है आदेश जारी किया है। इसके साथ ही और भी गाइडलाइंस भविष्य में आएंगी, तो परीक्षा कराने के संबंध में समय समय पर राज्य शासन के द्वारा उनका पालन विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। जो विद्यार्थी अभी गांव में रह रहे हैं, मैं कुछ टेस्ट भी देख रहा था, जो विद्यार्थी गांव में रह रहे हैं वे चिंता ना करें, क्योंकि परीक्षा जब शुरू होगी तो उसके लिए आपको समुचित समय दिया जाएगा कि इसमें कम से कम 10 दिन का समय दिया जाएगा कि भाई इस तारीख से परीक्षा शुरू हो रही है। और अब आप देख सकते हैं कि आवागमन के साधन भी खुल गए हैं, तो आपको यहाँ आने में भी कोई बाधा नहीं होगी। साथ ही जो विद्यार्थी यहाँ छात्रावास में रह रहे थे उनके लिए भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। विशेषकर जो परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी, उनके लिए हॉस्टल में व्यवस्था उचित की जाएगी ताकि वो अपने निर्माण रूप से यहाँ रह करके पढ़ाई करके अपनी परीक्षाएं दे सकें। कुछ प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के मन में ये शंका है, इसके लिए वो पूछ रहे थे चेक पर कि उनकी परीक्षाएं कब होंगी। तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राज्य शासन ने अभी उनको प्रोविजनली अगली क्लास में एडमिट करने के लिए कहा है और उनकी परीक्षाओं के संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और वे परीक्षाएं बाद में कभी भी उचित समय आने पर कराई जाएंगी। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षाएं होंगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन की जाएगी और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। समस्त कॉलेजों के डीन और डायरेक्टर और एचओडी की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो उचित रूप से सैनिटाइज करके ही आपकी परीक्षाएं कराएं। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता लगती है, किसी भी कोई शंका आपके मन में हो, कोई आपको परेशानी आ रही हो, तो आप जैसा मैंने कहा आप निश्चित रूप से चैट में अपनी बात कह सकते हैं। और अब क्योंकि ये मीटिंग जल्दी समाप्त होने वाली है तो आप हेल्पलाइन पर जाकर के भी अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम और मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। और मैं एक बार पुनः आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों को कि आपने बड़े धैर्य से शांति से अपने माइक को म्यूट रखते हुए बड़े ध्यान से माननीय कुलपति महोदय के इस व्याख्यान को ध्यान से सुना है। और जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि न केवल शैक्षणिक जगत के लिए बल्कि आपके लाइफ मैनेजमेंट के लिए, और आज का मैंने जो व्याख्यान सुना ये बिल्कुल ही अलग था। सबका हेल्थ मैनेजमेंट के लिए भी जो आपको टिप्स दी है सर के द्वारा, अगर हम उनका पालन करेंगे तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से इस मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।